अस्सलाम वालेकुम बालो, क्या हाल है? ठीक है बेटा? के ठूक के पड़ू के संदूक के बंदूक के अड़ी अब भन्या हो या तनूर और त्या मैं तिकु अड़ी मेरे को कोवड़ लगी बैठी है, बंद करड़ी वीडियो। सॉरी यार, जरा मस्ती कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में जॉब्स आई हुई है, लेडीज एंड जेंट्स दोनों आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो जॉब्स हैं वो सिर्फ 80 है, मतलब कि 80। लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। और एजुकेशन आपकी कोई भी हो चलेगी, प्राइमरी है फिर भी चलेगी, मैट्रिक है फिर भी, FA, BA, BSc है, DAE है, कोई भी है आपकी एजुकेशन, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, डोंट वरी। तो चलते हैं सबसे पहले जॉब की तरफ। सीनियर असिस्टेंट की ये जॉब है, 18 से 28 साल एज है, सब में आई थिंक यही चलेगी। एजुकेशन जो है BA और BSc इसमें चाहिए आप लोगों की। नीचे आप थोड़ी सी रेट कर लीजिएगा। पंजाब में जस्ट एक जॉब आई हुई है इसकी, अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो। एंड सेकंड नंबर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, एज सेम वही है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें 70 वैकेंसीज आई हुई है पंजाब की। इस पर आप लोग अप्लाई करते हैं तो बेस्ट है। इस पर थोड़ा डिवाइड किया हुआ है कि मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जॉब आई हुई है, लेकिन पूरे पंजाब में डेटा एंट्री के लिए आप इस पर अप्लाई करें बेस्ट रहेगा। जैसे कि देख रहे हैं ऊपर आप लिखा हुआ है बैचलर डिग्री 1 ईयर, कंप्यूटर IT डिप्लोमा, वर्किंग नॉलेज, ये 10 उन्होंने दिए। आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है, और मैं बताना चाहूँ तो आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया होगा, क्योंकि मैं खुद भी जब किसी दूसरे की वीडियो देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ छोटी सी छोटी वीडियो देखूँ, ताकि जल्दी से बात समझ आए और टाइम वेस्ट कम हो। तो इसलिए आप खुद रीड कर लीजिएगा, इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट और तीसरी जॉब की तरफ, क्योंकि मेरा मकसद होता है आप लोगों को बात समझाना, ना कि वीडियो लंबी कर जाऊँ आप लोग बोर हो जाए। तीसरी जॉब की तरफ चलते हैं। जूनियर असिस्टेंट की ये भी जॉब है, इसमें एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो आपकी FA, FSc इक्वल कोई भी हो चलेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फील्ड इसमें देख सकते हैं आप, इसमें सिर्फ 2 जॉब्स हैं पंजाब की, और बाकी नीचे आप रीड कर सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल लिखे हैं। दूसरी जॉब की तरफ चलते हैं। सब असिस्टेंट की ये जॉब है, इस पर मैट्रिक आपकी वो एजुकेशन चलेगी। मिनिमम टाइपिंग जो स्पीड है वो आपकी 30 वर्ड लिख सकते हो आप पर मिनट के अंदर। इसमें जो टोटल जॉब्स आई हुई हैं वो डिफरेंट तरीके से हैं, जैसे पिछली आई थी 3, 2, 1, 4, 8, इस तरह से ये जॉब्स हैं। सेकंड नंबर पर नैब कासिल की जॉब आई है, प्राइमरी इसके लिए आप लोगों की चाहिए, ज़्यादा है तो अच्छी बात होती है, और एज जो है वो 18 से 25 है इसके लिए। इसमें भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जॉब है, जैसा कि 1, 1, 2 वगैरह वगैरह करके इस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लिए उनको चाहिए नैब कासिल। और लास्ट चौकीदार की देख लें आप, इसके लिए आप अच्छा काम करते हैं जो पहले बना था, मतलब कि उससे ज़्यादा बेटर आप काम कर सकें तो आपके लिए ये जॉब ओके। एज जो इसकी भी हुआ है 18 से 25 ही है, इसके 3 साल कम कर दी गई है। और अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ, कि आप लोगों ने जो है ना अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट लाइन पर आप देख सकते हैं PO बॉक्स 26 GPO लाहौर विद इन 30 डेज द ऑफ द एप्लीकेशन कॉपीज। और उनके कहने का मतलब है कि 30 दिन के अंदर अंदर जब से हमने अप्लाई पोस्ट शेयर की है ना, उसके 30 दिन के अंदर आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स कॉपीज जो है ना अटेस्टेड यहाँ पर भेजनी है, 30 दिन अंदर के अंदर अंदर पहुँच जानी चाहिए, सारी आपने अटेस्टेड भेजनी है। टोटल डॉक्यूमेंट्स जो है आपके फ़ोटो और आईडी कार्ड समेत आपने यहाँ पर एड्रेस पर भेज देने हैं। कोई भी चीज़ आपकी कम हुई तो आपकी जो है ना एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी उनके कहने के मुताबिक, और जो सिलेक्ट कैंडिडेट होंगे फिर उनको बाद में बुलाया जाएगा हेड ऑफिस में, हेड क्वार्टर ऑफिस में फील्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उन्होंने पोस्ट किया हुआ है यहाँ पर पंजाब में, तो जाके जो है ना आपकी सिलेक्शन का आगे जो है ना वो मरला फिर स्टार्ट होगा। TA आपको देते नहीं वो, ये तो पुरानी बात है, मतलब कोई भी बंदा इंटरव्यू वगैरह के लिए जाता है तो उनको TA वगैरह नहीं दिया जाता। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है। ऊपर मेंशन किया गया उनका एड्रेस, वहाँ पर आप लोगों ने ये टोटल अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना भेजने हैं, लेकिन फॉर्म एक होता है वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, उसको फिलअप करके टोटल डॉक्यूमेंट जो है ना वो साथ लगा के भेज देने हैं आप लोग। फॉर्म कौन सा होगा, आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड करना है, वो फॉर्म की आपको पिक दिखाता हूँ, उस तरह से आप लोगों ने डाउनलोड करके सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा के भेज देना है। ये वाला फॉर्म जो है ना आप लोगों को डाउनलोड करना होता है, अगर आपसे ना हो पाए तो किसी भी शॉप पे चले जाइएगा, उनको जॉब्स बताएंगे इस तरह से, तो ये आपको फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके दे देंगे, तो आपने लिख के इसको फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के उनको भेज देना होता है। अगर फिर भी बाद में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं से भी नहीं मिलता, तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करके जो है ना इसका लिंक आपको देने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल नहीं है मेरे पास,
लेकिन अगर आप लोगों को कोई शॉप से भी नहीं मिलता, मतलब कोई शॉप वाला भी नहीं आपको ये फॉर्म डाउनलोड करके देता, तो कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ट्राई करके ज़रूर आप लोगों के साथ इसको फॉर्म को शेयर करूँगा कि आप लोग डाउनलोड इसे कैसे कर पाएंगे। वो लिंक एक मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, ले आऊँगा, आप लोग क्लिक करके उसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसका पूरा मतलब कि एक पेज होता है, जैसा कि आप लोगों ने नाम लिखना है, फादर नेम, आईडी कार्ड वगैरह वगैरह, और नीचे आपने ये वो सिग्नेचर वगैरह वगैरह करने होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं इस पर। वैसे आपको ये फॉर्म देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों ने कैसा फॉर्म डाउनलोड कराना है। अगर नहीं होता तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।